फ्रेंड्स, तांडला प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट की ओर से बायबैक का अनाउंसमेंट हो चुका है और बायबैक का प्राइस भी बहुत ही शानदार निकल कर आया है, क्योंकि तांडला प्लेटफॉर्म की ओर से 1200 रुपये पर शेयर के प्राइस से बायबैक करने का अनाउंसमेंट निकल कर आया। तो अभी ये शेयर 836 रुपये के आसपास चल रहे, यानी कि यहाँ से 45% के आसपास के ज़्यादा प्राइस पर बायबैक आया गया। और दूसरा फ्रेंड्स, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर है जो कि नॉर्मली बायबैक से तो खुश ही होते, मगर फिर भी बायबैक को अच्छे से समझ ना पाने पर मेरे अनुमान से वो थोड़े डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर ओवरऑल नॉर्मली क्या होता है, बायबैक आता है तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, मुझे तो ऐसा लगा कि कंपनी की ओर से ये प्रयत्न रहता है कि किसी ना किसी तरीके से हम शेयर होल्डर को बेनिफिट दे। आपने देखा होगा अभी थोड़े टाइम पहले केडिला की ओर से बायबैक आया था, बजाज ऑटो की ओर से बायबैक आया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वो स्टॉक अब पिछले एक दो साल से कोई खास अच्छा रिटर्न देने में कामयाब नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैनेजमेंट की ओर से कैसे भी करके शेयर होल्डर को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, उस वजह से यहाँ पर बायबैक आया था। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली बायबैक हमको ऐसे ही लेकर चलना चाहिए कि शेयर होल्डर को अंत में बेनिफिट देता है, और ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बायबैक की न्यूज़ की वजह से स्टॉक को बाय करते हैं और फिर उसके बाइंग प्राइस से नीचे आ जाता है, तो ऐसे केस में तो प्रॉब्लम होता है, मगर जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं उसको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हमारे एक व्यूअर भाई ने तांडला प्लेटफॉर्म का शेयर जब बहुत ही भारी गिरावट में था तब 610 रुपये में बाय किया, अब उसके कुछ शेयर अगर बायबैक में जाते तो उसको तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि 600 वाला शेयर 1200 में चला जाएगा तो उसको तो बिना रिस्क लिए ही शॉर्ट टर्म में ही अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, और बाकी के शेयर रहेंगे उसका प्राइस भी काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, तांडला की ओर से जो अनाउंसमेंट होने वाला था वो हो चुका है, और आप यहाँ देख सकते हो 170 करोड़ का बायबैक है और 1200 रुपये प्राइस पर बायबैक आने वाला है।